जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा है और ठीक समझे हैं। नवरात्रि में निशुल्क संगीत की शिक्षा देने जा रहा है संगीत प्रवाह वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शनिवार को संगीत धारा मोबाइल एप्लीकेशन पर एक कंपटीशन होता है, म्यूजिकल कंपटीशन, जिसमें कि आप अलग अलग, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, आप आकर अपना गीत सुना सकते हैं और जो विजेता बनता है उसे मिलती है निःशुल्क शिक्षा एक साल तक पूरी। ये संगीत धारा मोबाइल एप्लीकेशन का एक चलन है जो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन ये वीडियो मैं पर्टिकुलर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मालूम चल सके कि कुछ नियम हैं उस कंपटीशन के। रजिस्ट्रेशन कोई फ़ी नहीं है, एंट्री फ्री है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स की कोई लिमिट नहीं है और विजेता ज़रूरी नहीं है एक हो। अगर हमें बहुत सारे पसंद आते हैं तो हम सबको वो अवार्ड देते हैं और हर शनिवार ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। लेकिन एक ख़ास बात है जिससे स्टूडेंट्स थोड़े से अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, वो ये है कि क्योंकि ये कोई म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन है तो कोई सा भी गीत गाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। पहला नियम है इसका, प्रथम नियम है वो यही है कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड के ही गीत होंगे, यानी कि मेरे पिताजी के, मेरी बहनों के, हम ही लोगों के गीत होंगे, हमारे ही विद्यार्थियों के गीत होंगे। फिर भले ही उसके शब्द हमारे हों या न हों, मगर धुन हमारी ही है उसमें। ज़्यादातर शब्द हो सकता है पारंपरिक शब्द हों, किसी फेमस शायर के हों या फिर मेरे पिताजी के हों, है ना, लेकिन धुनें सारी की सारी हमारी ओरिजिनल हैं, तो ओरिजिनल सॉन्ग्स ही हम उसमें प्रमोट करते हैं। और दूसरी चीज़ ओकेजन अनुसार होता है, जैसे कि इस आने वाले शनिवार को माताजी के भजन जो है, नवरात्रि की जो स्थापना होती है उसमें जो भजन गाए जाते हैं, माताजी की चौकी, उनकी आरतियाँ, उनके भजन, वो हमने खुद ने लिखे हैं, हमारे पिताजी के लिखे हुए हैं, मेरे पिताजी के लिखे हुए, उन्हीं की बनाई हुई धुनें हैं, तो सिर्फ वही जो गीत हैं वो अलाउड होंगे। अब उनको आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं ज़रा आपको बता दूं। वैसे तो हम हर बार बताते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मास्टर निषाद प्रोडक्शंस हैं या फिर संगीत प्रभा वर्ल्ड है, हर चैनल के, हमारे हर मेन चैनल के होम पेज पर आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर आप संपर्क करें। इस मीटिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक कहाँ मिलेगा, ये भजन जो हम गाने जा रहे हैं ये कहाँ मिलेंगे, इन दोनों के जवाब आपको व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ भी आपको चैट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर आपको हर कॉम्पिटिशन की डिटेल प्लस कितनी बजे शुरू हो रहा है। वैसे उमूमन हम 6 बजे ही शुरू करते हैं और 6 से 8 का ये 2 घंटे का कंपटीशन रहता है, अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, और ये जो आने वाला शनिवार है इसमें नवरात्रि के भजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, शिक्षा जो है संगीत की शिक्षा आपको नियमित निरंतर मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपका नुकसान है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपके। जैसा कि मैं एक पहले भी वीडियो दे चुका हूं जिसमें हमारे एप्लीकेशन के हमने फ़ायदे बताए हैं कि सीखने वाले विद्यार्थी को हम रोज़गार भी यहीं देते हैं, है ना, उसको आगे प्लेटफॉर्म, उसके गाने रिकॉर्ड भी हम ही कराते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी की न्यूज़ है वो यही है कि शनिवार को आने वाले कॉम्पिटिशन को आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप सभी लोगों को तैयार होना है, और ये नवरात्रि के भजन जो मेरे ख्याल से 9 या 10 भजन उसमें हैं, उनमें से कोई सा भी गीत आप तैयार कीजिए, शब्द उनके डिस्क्रिप्शन में हैं, धुनें आप उसमें से सुन सकते हैं और तैयार कीजिए। हम ये देखना चाहेंगे कि कितनी आपकी क्षमता है कि आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं, और उसी के बेस पर आपको विजयी घोषित किया जाएगा। हमने यही क्यों कहा कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड के गीत, देखिए गीत आप कोई सा भी तैयार करेंगे उसमें भी वही स्वरलय ताल होती है जो हमारे गीतों में है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे भजनों में शास्त्र का थोड़ा ख्याल रखा जा सके, रागदारी का, थोड़ा सा ताल, लय, इन सब का इस्तेमाल हो सके। तो जो व्यक्ति ऐसे भजनों को तैयार कर सकता है, ऐसे गीतों, ऐसी गज़लों को तैयार कर सकता है, यानी उसमें क्षमता होगी कि वो चीज़ें जल्दी पकड़े, तो ग्रैस्पिंग पावर उसकी अच्छी होगी। तो ऐसे ही विद्यार्थियों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करें, आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिस दिन होने वाला होगा कंपटीशन उसी दिन आपको वो शेयर किया जाएगा लिंक, और आपको ये भजन जो है तैयार करके लाने हैं। मेरे ख्याल से नवरात्रि थोड़ी लंबी चलेगी तो 2 कंपटीशन या 3 कंपटीशन हम रखेंगे जिसमें नवरात्रि के भजन होंगे। देखिए ये कंपटीशन हर शनिवार हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने मौका छोड़ दिया, अब दोबारा कब मिलेगा, हर शनिवार हम ये कंपटीशन करा रहे हैं, और कोई ना कोई पर्व आता है। अगर पर्व नहीं होता है तो हम गज़लें उसमें या भजन, कोई नॉर्मल भजन, वो भी उसमें अलाउ होते हैं। फिर जैसे अगर कोई ओकेजन नहीं है, मान लीजिए अभी तो नवरात्रि है, या अभी इससे पहले गणेश चतुर्थी गई, उससे पहले हमने और भी रिपब्लिक डे के मनाए थे, इंडिपेंडेंस डे के मनाए थे, तो अलग अलग त्यौहार, रक्षाबंधन के मनाए थे, अलग अलग त्यौहारों के हमने गीत जो है, हमने तो हर टॉपिक पर गीत बना रखा है, तो आपको तो बस सर्च करना है, और नहीं भी हो तो इस नंबर पर संपर्क करना है, वहां आपको गीत की जो है प्लेलिस्ट डायरेक्ट दे दी जाएगी, ठीक है। वरना आप ज्यादातर तो सर्च कर सकते हैं, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस का जो चैनल है उसके होम पेज पर आपको सब मिल जाएगा, हर प्रकार के गीत मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे सबके सब, ठीक है। तो नवरात्रि आ रही है, ज्वाइन कीजिए, और हम चाहेंगे
कि बहुत से विद्यार्थी हमारे पास आएँ और हमें तो निःशुल्क शिक्षा देनी है और हम देते रहेंगे। उसका फिर कोई भी जरिया हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, ये कॉम्पिटिशन हो, या संगीत प्रवाह वर्ल्ड का ये जो चैनल है ये हो, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करें 6 बजे इस आने वाले शनिवार को, और उसके बाद भी आने वाले शनिवार को, और उसके बाद भी आने वाले शनिवार को, हर शनिवार शाम 6 बजे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जूम पर हम ये मीटिंग रखते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन गाने आपको ओरिजिनल हमारे ही गाने होंगे और कोई सा भी भजन नहीं चलेगा, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गा देंगे और वो भजन अलाउड होगा, बिल्कुल नहीं। आपकी सुर लय ताल की जांच जो है वो हमारे ही गीतों से हम करना चाहेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया ये देखने के लिए वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ये अपॉर्चुनिटी। आप मैं चाहूँगा कि बहुत से लोग हमसे जुड़ें, वो मीटिंग हमारी बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो जाना चाहिए, अच्छे से अच्छे विद्यार्थी आएँ, तो आपको भी सुनने में मज़ा आए, हमें भी चुनने में मज़ा आए। धन्यवाद।